बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट रिज्व इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरूनाबाद आई एम हमाद मजीद लेक्चर इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में शुरू किए जाने वाले क्लासेस में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और अपने इस तीसरे लेक्चर में हम सर जेम्स जीन्स की तरफ से लिखे गए एक मजमून एक ऐसे द डाइंग सन के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे गुज्त लेक्चर में हमने देखा सर जेम्स जीन्स के वो साइंसी नज़रियात बीइंग एन ऑस्ट्रोनोमर, ही टोल्ड अस अबाउट द यूनिवर्स एंड ही शेयर्ड हिज नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स एंड अबाउट दबाउट द डिस्टेंस अमंग द स्टार्ज एंड अबाउट द साइज ऑफ द स्टार्ज एंड अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्थ एंड अबाउट द स्टार्ट ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ सर जेम्स जीन्स ने हमें ये बताया कि सितारे बहुत बड़े हैं सितारा जो कि हर लिहाज से अपनी हैसियत रखता है वो एक सितारा दूसरे सितारे से लाखों करोड़ों मील की मुसाफत पर है सितारों की तादाद के बारे में उन्होंने बताया कि खला में सितारों की तादाद को जानना और गिनना हमारे लिए नामुमकिन है फिर भी अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो आप समझ लें कि समंदरों के साहिल पर मौजूद रेत के जरात और सितारों की तादाद शायद ये बराबर हो और हो भी सकता है कि सितारों की तादाद इससे ज़्यादा हो इसके बाद उन्होंने हमें बताया दरजेंस ऑफ प्लैनेट्स दैट हाउ डिड द प्लैनेट्स कम इन टू एग्जस्टेंस उन्होंने हमें जो है वो आ, सूरज की सतह पर बनने वाले मद्दजर के एक पहाड़ के मुतालिक बताया और फिर उन्होंने बताया कि वो पहाड़ टूटा और वो टुकड़े तु, जो थे वो ख़ला में फेंके गए और उन टुकड़ों को प्लैनेट्स का नाम दिया गया उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि इन टुकड़ों में से कुछ टुकड़े जो थे वो वक्त के साथ साथ टेम्प्रेचर को लूज़ करते गए टेम्परेचर उन पर कम होता गया और इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी ज़मीन जिस पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ इब्तदा में या आगाज़ जो था वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स की सूरत में था और फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी प्रोसेस में से गुजर कर इंसान की तख्लीक मुमकिन हो सके सो डियर स्टूडेंट्स इट वाज लेक्चर नंबर टू नाउ वी मूव टुवर्ड्स लेक्चर नंबर थ्री एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर फाइव टेक्स्ट बुक्स आपके पास होंगी और ज़रूर आप उन पैराग्राफ्स को रीडिंग जो है वो उनकी करेंगे हम उसको सिंपली यहाँ पे जो है उसका एक स्केच जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ आपकी आसानी के लिए जिसके बाद आपको इसे पढ़ना और भी आसान होगा आई होप सो वो हैं की पॉइंट्स मेन आइडियाज़ जो डिस्कस किए गए पैराग्राफ नंबर फाइव में पैराग्राफ नंबर फ़ाइव में सर जेम्स जीन्स ये कहते हैं कि एक तलब इल की हैसियत से अगर आप ख़ला के निज़ाम को और अगर आप जो है वो वेस्टनेस ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करना शुरू करें तो आप खौफ में मुबला हो जाते हैं अजीज़ तलबा ये बहुत ही मुख्तर और बहुत ही सादा सी बात है कि अगर आपको ये लगे कि मेरे हाथ में रेत के ज़र्रात हैं और हर एक एक ज़र्रा जो है वो एक प्लानेट की हैसियत रखता है तो मेरे ख़्याल में आपकी मुट्ठी में मौजूद रेत के ज़रात जो हैं वो आपके काबू में इस तरह से हैं कि हल्की सी मुट्ठी खोलने से बहुत सारे ज़रत जो हैं वो कहीं दूर जा सकते हैं और वो हवा में उड़कर पता नहीं कहाँ जाएंगे उनकी अपनी शनाख्त जो जो मौजूद थी आपकी मुट्ठी के अंदर वो शनाख्त खोने में उन्हें एक सेकंड से भी कम वक्त लगेगा तो ये एक खौफ की बात है उन ज़र्रात के लिए बिल्कुल ऐसे ही सर जेम्स जीन्स हमें ये बता रहे हैं कि जब आप इसको स्टडी करना शुरू करते हैं तो आप खौफ में मुबतला हो जाते हैं बिकॉज़ यू लिव ऑन द अर्थ एंड द दर्थ इज़ वेरी स्मॉल बहुत ही छोटी जगह है बहुत मतलब आप रेत के ज़रे को क्या अहमियत दे सकते हैं अपने हाथ में यही अहमियत हमारी ज़मीन की इस यूनिवर्स में मौजूद है यूनिवर्स जो है वो बहुत पहले से ये हम इसको हम इसके टाइम को स्टडी नहीं कर सकते कि ये निज़ाम कब से वजूद में आया हमने पहले वो देखा जो हमारे हमारे प्लैनेट्स के बनने का निज़ाम जो था उसके बारे में भी बात की गई तो कहा गया टू थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो तो उससे पहले से प्लैनेट्स शायद कुछ होंगे लेकिन स्टार्स तो उससे पहले डेफिनेटली मौजूद थे ये तो हमारे प्लानट्री सिस्टम के बारे में बात की गई कि टू थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ठीक है तो इस वजह से पैराग्राफ नंबर फाइव में सर जेम्स जीन्स कहते हैं दैट द दे स्ट्रेच ऑफ़ टाइम आर वेरी लॉन्ग लॉन्ग ऑफ टाइम बहुत पुराने वक्तों की ये बात है बहुत पुरानी बात है बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है इस चीज़ को जब से ये कायनात जो है वो वजूद में आई कायनात यूनिवर्स का जो है वजूद बहुत पुरानी एक जो है वो आप कह सकते हैं कि इवेंट है जिसके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए कि ये कायनात कब से बनी है इसके अलावा लोनलीनेस ऑफ द अर्थ अब इस कायनात में नंबर एक के रेत के ज़रात के बराबर स्टार्स और हर स्टार के अपने प्लैनेट्स तो अगर आप अर्थ जिस पर रह के हम बहुत खुद को बहुत अजीम और बहुत आ, समझदार और पता नहीं क्या क्या समझते हैं तो जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ना जी इस ज़मीन की हैसियत का अंदाज़ा आप बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं दैट दिस इज़ अ पीस ऑफ दिस इज़ अ पीस ऑफ अप ग्रेन समझ आ रही है और इसके अलावा ये एक इंतहाई तन्हा ऑब्जेक्ट है किसी और प्लेनेट के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कोई कनेक्शन नहीं है कोई कम्युनिकेशन नहीं है और इसके साथ साथ ये एक ऐसी जगह है जो बहुत अकेली होने के साथ साथ बहुत छोटी भी है एक हल्का सा शेक खुदा नखास्ता हम इस चीज़ को महसूस करते हैं एक हल्का सा शेक ज़मीन पे आता है जब तो थोड़ी सी मूवमेंट के साथ कितनी ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिलती है तो अगर ये अपने मदार से निकल जाए ये प्लान और कहीं और चल पड़े और किसी और स्टार की तरफ इसकी अट्रैक्शन हो या किसी भी तरह से ये पूरा प्लानट्री सिस्टम जो है वो किसी दूसरे प्लानेटरी सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दे तो हमारा वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है दैट्स वाई इट इज़ फीयरफुल टू इमेजन अबाउट द यूनिवर्स इट इज़ फीयरफुल टू इमेजन अबाउट द

इज़ थिंग इस पैराग्राफ में लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है सुटेबल टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द एग्जिटेंस ऑफ लाइफ बेहतरीन जो है वो दर्ज हरारत मतदल दर्ज हरारत मॉडेस्ट टेम्परेचर वो होना शदीद ज़रूरी है इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं है और ये मतदल टेम्परेचर जिस पर ह्यूमन बींगज एग्जिस्ट कर सकते हैं देट ऑनली एग्जस्ट्स ऑन दी अर्थ एम्पटी स्पेस इज़ वेरी कोल्ड अगर आप सूरज से दूर चले जाएँगे सूरज से दूर जाते जाएंगे तो आप शदी ठंडक ज़ाहरी सी बात है इट्स वेरी नेचुरल सन हैज़ इट्स ओन लाइट प्लान्स डू नाट हैव देर ओन लाइट ठीक है हीट जो है वह हम हासिल करते हैं सन से और जो प्लान सूरज के बहुत करीब हैं वो बहुत ज़्यादा हीटफुल हैंटड हैं और जो बहुत ज़्यादा दूर हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है द टेम्पटी स्पेस इज़ वेरी कोल्ड एंड देन लाइफ नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशन जिंदगी के वो आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेज में साइंस में भी पढ़ाया जाता है जिंदगी के लिए बुनियादी शराइ तो उसमें जो है वो टेम्परेचर एयर ठीक है वाटर और सॉयल को कहा जाता है तो आउट ऑफ दीज फोर इन्ग्रीडियंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द दूटेबल टेम्परेचर नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर सिक्स इट इज़ अ स्मॉल पैराग्राफ इट इज़ अ वेरी

इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्स तो आप इनको प्लैनेट्स भी मतलब जो है कंसीडर कर सकते हैं प्लैनेट्स जो प्लैनेट्स सूरज के ज़्यादा करीब हैं प्लैनेट्स नियर द सन दे आर वेरी हॉट एंड प्लैनेट्स फार फ्रॉम द सन दे आर वेरी कोल्ड बोथ कंडीशंस में आइदर अ स्टार इज़ ट्रू हॉट और टू कोल्ड इट नेवर एवर इज़ कंपेटिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ सही है जी नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ नंबर सेवन एंड दिस इज़ आई थिंक द लास्ट पैराग्राफ और उसमें कंकलूड किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के हवाले से दैट लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑनली ऑन अ मॉडरेट टेम्परेचर एक इंतहाई मुनासिब दर्जा हरारत पर ही ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता है और ऐसे ऐसी ही टेम्परेचर की कंडीशन रखने वाले प्लानट्स की तादाद बहुत कम है हम तो ज़मीन को जानते हैं इसके अलावा शायद कोई और सारा ऐसा हो जिस पर जो है वो जिंदगी का तस्वुर मुमकिन हो सके लेकिन शायद अब तक ऐसा नहीं हो सका अगर ये सोचा जाए और अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि कितने कैसे स्टार्स सॉरी प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनके पास जो है वो लाइफ को एग्जिस्ट करने का चांस है लाइफ जिन पे एग्ज़िस्ट कर सकती है तो उस हवाले से एक स्टडी है जिस जो आपके साथ शेयर की जा रही है और आपको बताया जा रहा है दैट ऑनली वन आउट ऑफ थाउजेंड स्टार्स मे हैव सिंगल प्लान विद पहली बात तो ये कि स्टार्स जिस तरह सन और उसके बाद उनके प्लान जिनकी तादाद और भी ज़्यादा बनती है तो एक हज़ार सितारों में से एक सितारा सिर्फ ऐसा हो सकता है जिसके प्लानट्स में से कोई एक प्लान फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ सिंगल स्टार हैज़ टेन प्लान इट मीनस वन थाउजेंड स्टार्स हैव आप देख लें टेन थाउजेंड प्लान ठीक है आई मे बी रॉन्ग इन दैलकुलेशन यू मे गेट इट प्रॉपरली तो एक सितारा एक सारा ही उनमें से ऐसा निकलेगा जिस पर जो है वो लाइफ uh, को एग्जिस्ट करते हुए आप देख सकेंगे सो दिस वॉज एन एस ए अबाउट यूनिवर्स अबाउट द इनॉर्मिटी ऑफ द यूनिवर्स अबाउट द ह्यूजनेस ऑफ द यूनिवर्स अबाउट द अबाउट द फियर दैट वी कैन हैव वी हैव टू फील बींग बींग रेजिडेंट ऑन द अर्थ सेकेंड फेज़ में हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था पहले पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर टू में हमने जो है वो चार शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया और नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ दे वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स तो अभी पैराग्राफ नंबर सिक्स को अगर आप एक दफ़ा दोबारा रीड आउट करें तो वहाँ पर बताया गया है कि स्टार्स जो हैं दे आर टू हॉट एक्चुअली दे आर द फायर्स दे आर द फायर्स ऑफ दे आर द बॉल्स ऑफ द स्केटर्ड फायर्स बहुत बड़े बड़े आग के बगोले हैं तो ये सूट नहीं करता कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके ठीक है इट्स डिफिकल्ट फॉर द स्टार्स टू एग्जिस्ट टू मेक द लाइफ एग्जिस्ट ऑन देम नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्स नोट आपसे कहा गया लिखने को बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इट्स वेरी सिंपल हमने इसको पहले देखा है पैराग्राफ नंबर फोर में और हमें ये बताया गया कि लाइफ जो है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर कर जो है प्रॉपर उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हो सकी है इनिशियली आफ्टर द प्लानट्स केम इन टू एग्जिस्टेंस फर्स्ट ऑफ़ ऑल अर्थ लॉस्ट इट्स टेम्परेचर टू दी एक्सटेंट के वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो सके उसके बाद जिंदगी का आगाज़ लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नथिंग विद देम एक्सेप्ट द क्वालिटी टू रिप्रोड्यूस दैम सेल्स बिफोर दे डाई सिर्फ इतना ही उनका इख्तियार था कि वो मरने से पहले ख़ुद की तरह का एक और जानदार एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते देन एवोल्यूशन टुक प्लेस एंड लाइफ बिकम बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स एंड देन द ह्यूमन बीइंग्स केम इन टू एक्जिस्टेंस विद फुल इमोशंस ऑफ एंगर हेट्रट लव डिवोशन, सेंस ऑफ ब्यूटी सेंस ऑफ रिलीजन और इस तरह के और बहुत सारे जज्बात जो कि एक जिंदा इंसान की खसूसियत हैं इन जज्बात के साथ इंसान इस दुनिया में वजूद में आया देर इज अ क्वेश्चन दैट वाइज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग पैराग्राफ नंबर फाइव जो है उसमें उसके अगर आप पॉइंट की पॉइंट्स को देखें तो उसमें बताया गया है दफ टाइम लोनलीनेस ऑफ द अर्थ एंड लिटलनेस ऑफ द अर्थ दीज आर दिंग्स विच मेक दिस यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग हमारी जमीन इसका हिस्सा है और हमारी जमीन का ये हाल है कि हम उस पर अपने आप वी आर क्वाइट अनसर्टन ऑन अ ब्रॉडर लेवल अगर आप इसको देखें तो हम गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं इट्स इट्स विल ऑफ़ गॉड गॉड लेकिन उसका जो वजूद है वो एक बिल्कुल रेत के जरिए की माने है और वो किसी भी वक्त इधर उधर हो सकता है इस वजह से यूनिवर्स इज़ वेरी थ्राइटनिंग देर इज़ द लास्ट क्वेश्चन वट इज़ इन योर ओपीनियन एट दंडीशन वट आर दंडीशन फॉर लाइफ वेरी सिम्पल क्वेश्चन जो है वो दूसरे हेवनली बॉडीज़ हैं स्टार्स अदर प्लैनेट्स प्लैनेट्स स्पेशली स्टार्स डेफिनेटली आर नॉट सूटेबल फ़ॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ तो कौन सी फिजिकल कंडीशंस हैं जिनका होना जिंदगी के वजूद के लिए ज़रूरी है तो ये भी आपको पैराग्राफ नंबर फाइव में बता दिया गया है दैट सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर द ऑफ लाइफ इज़ आर नेसेसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आउट ऑफ दिज कंडीशनज इज़ टेम्परेचर असूटेबल टेम्परेचर एट विच ये कैसे आप जज करते हैं कि सूटेबल टेम्परेचर क्या हो सकता है तो उसका जो मैार है उसको जाँचने का वो ये है दैट इफ़ द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट ऑन अ टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड अटेबल टेम्परेचर अगर कोई कोई भी सॉलिड मतलब आप कह सकते हैं सॉलिड चीज़ भी है अगर वो लिक्विड शेप में अपने आप को सस्टेन कर सकती है और इतनी ज़्यादा तपिश नहीं है कि वो बुखार बनकर अवेपर्स एवेपरेट हो जाए वेपर्स की सूरत में तो इट इज़ कॉल्ड अ सूटेबल टेम्परेचर तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ठीक है जी सो इट वॉज द एक्सरसाइज एंड इट वॉज द टेक्स्ट आई होप कि आप लोगों ने इस एक नए तजुर्बे से और इस नए तरीके से इस बात को सुनने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर की होगी और कोशिश की गई है कि आपको ये बात सादा लफ्जों में समझाई जाए उम्मीद करते हैं कि आप इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद होंगे अगले लेक्चर के लिए आपको सलाम